कोविड-19 वैक्सीन को लेकर चल रहे भ्रामक प्रचार और अफवाहों से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आम जनता से अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए अपील की कि वह अपने अपने क्षेत्रों में आम जनता को इसकी जानकारी दें और उन्हें बताएं कि कोविड-19 वैक्सीन पूर्ण तरह से सुरक्षित है और इससे किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इस संबंध में कलेक्टरेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। धर्मगुरुओं का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन से महामारी का खात्मा होगा और यह खुशी की बात है कि भारत में यह वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। इसके लिए उन्होंने सभी से अपील की कि वह आगे बढ़कर वैक्सीन लगाएं, जिससे कि कोविड-19 का खतरा कम हो सके और किसी भी तरह की अफवाह और भ्रामक प्रचार से बचे। इसके साथ ही जिला प्रशासन व सरकार की ओर से भी इसे लेकर अभियान चलाया जाएगा। जी, आज VC रखी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का जो शुभारंभ था उसके मद्देनज़र इसमें अजमेर से समस्त अधिकारीगण भी जुड़े थे, डॉक्टर्स भी थे और धर्मगुरुओं को भी बुलाया गया था। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि पिछले एक साल से पूरे देश, पूरी दुनिया जिस वबा से परेशान है, आज उसका अंत होने की शुरुआत कर दी गई है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए। मैं पूरे देशवासियों को इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ और ख़ास तौर से हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आज में भी डॉक्टर्स से हम मिलने यहाँ पर आए, देखने आए, इनको अप्रिशिएट करने आए हम लोग और दुआ भी देंगे हम धार्मिक होने के नाते। पूरे देशवासियों को बधाई कि यह वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है। राज्य सरकारों को बधाई कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे एक साल से अपनी राज्य की जनता का ख्याल रखा, हमारे जो केंद्र सरकार उसमें भी अपने देशवासियों का ख्याल रखा, खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सूबे के एक हेड होने के नाते, मुखिया होने के नाते हर व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये तमाम लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो फेक मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उससे भ्रमित ना हो। वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सुरक्षित है, राज्य सरकार ने भी कह दिया, ऑफिशियली बयान आ चुके हैं, देश की राज्य केंद्र सरकार के ऑफिशियली बयान आ चुके हैं। वैक्सीनेशन का जो भी गाइडलाइन है, पहले कोरोना वॉरियर्स को लग रही है, उसमें जब भी आम जनता में ये पहुँचती है तो लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए और हमारे देश को खुद को भी सुरक्षित रखना चाहिए, समाज को सुरक्षित रखना चाहिए, देश को सुरक्षित रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस वबा को हमारे मुल्क से, दुनिया से खत्म करे।